हेलो रीज, वेलकम टू द रुबाइंडी टैरो। और ये रीडिंग है आपके अक्टूबर के लास्ट वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं लास्ट वीक में। मैसेजेस फॉर एरीज, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एम्प्रेस, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, Queen of Wands. So, Aries, आपको जरूरत है थोड़ा सा काम रहने की, क्योंकि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ऐसा लग रहा है कि आप इस वीक में किसी बात से बहुत ज्यादा ट्रिगर हो सकते हैं। कोई चीज आपको बहुत ज्यादा परेशान कर सकती है, एंड शायद यह हो सकता है कि आप उस चीज के डिटेल में जाने का पेशेंस ना रख पाए और पहले ही रिएक्ट कर दें, या पहले ही कुछ कह दे या कर दे, क्योंकि ये चीज आपको इतना परेशान करेगी कि आपके अंदर इतना पेशेंस नहीं रहेगा कि आप डिटेल में जाके देखें कि एक्चुअली में है क्या, क्या जो आपको दिख रहा है वो चीजें वैसे ही हैं। मुझे लगता है कि आप काफी इमोशनल रहेंगे और बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाएंगे, तो यहां पर आपको थोड़ा संभल के चलने की जरूरत है, क्योंकि डिटेल्स में जाना जरूरी है आपके लिए। ओके, एंड आपको कहा जा रहा है कि द एम्प्रेस की तरह आपको होना चाहिए इस वक्त, थोड़ा सा काम, फिक्सेटेड, या फिर कहें कि आपको यहां पर समझने की जरूरत है कि डिटेल्स में चीजें क्या है, यानी आप पेशेंस रखिए और एम्प्रेस की तरह आपको काम रहना है, समझदार रहना है, और किसी भी चीज पर फैसला लेने से पहले एक बार सोचिए। हो सकता है कि चीजें आपको एक झटके में जैसे दिखाई दे, वैसा है नहीं, डिटेल्स में कुछ और हो। तो जब आपके रिलेशनशिप पर यह बात आ रही है तो डेफिनेटली आपको देखना होगा कि जो आप देख रहे हैं वो सही हो। हो सकता है कि कोई छोटी सी भी बात आपको ट्रिगर कर दे, आपने अपने पर्सन को मैसेज किया, आपको आपके पार्टनर से जवाब ना मिले और आप सोचे कि आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है या जानबूझ कर ऐसा कर रहा है, और आप इमिडिएटली कुछ कह दें या रिएक्ट कर दें, तो शायद आपको बाद में लगे कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो द एम्प्रेस के साथ यहां पर आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होने को कहा जा रहा है। यहां पे हमारे पास नाइन ऑफ पेंटिकल्स भी है। कोशिश कीजिए अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखने की। नाइन ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपके अंदर मैनिफेस्टेशन की पावर है एरीज, और नाइन ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है खुशियां। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वीक में कुछ ऐसा जो काफी लंबे समय से आप मिस कर रहे थे और आपके लाइफ में नहीं था। ओके, तो यहां पे आप यूनिवर्स को अपना काम करने दीजिए। आपकी जो विशेस हैं, आपकी जो प्रेयर है, वो यूनिवर्स सुन रहा है, एंड आपको आपकी विशेस जरूर ग्रांट होंगी। और हमेशा याद रखिए कि आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं, अपने कॉन्फिडेंस को मत खोने दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको किसी और की हरकत की वजह से बुरा फील हो सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि शायद आपको कोई जानबूझ के इग्नोर कर रहा है, आपको कोई जानबूझ के हर्ट करने की कोशिश कर रहा है, या आपको ऐसा फील करवा रहा है जैसे कि आप उतने अच्छे नहीं है या उन्हें डिजर्व नहीं करते। पर आपसे कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पहले तो आपको डिटेल में जाने की जरूरत है। हो सकता है कि इस पर्सन की कोई मजबूरी हो जिसके कारण ये आपसे कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या किसी वजह से ये आप में अपना इंटरेस्ट नहीं शो कर पा रहे हैं, या इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, और वो चीजें आपको दिखाई नहीं दे रही फिलहाल।
हो सकता है आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपको बुरा फील करवाने के लिए ऐसा कर रहा है, या आपको इंटेंशनली जानबूझ के इग्नोर कर रहा है, पर जितना आप सोच रहे हैं चीजें उससे ज्यादा है। और आप क्वीन ऑफ वांड्स तो है ही, आप कॉन्फिडेंट हैं, आप अट्रैक्टिव हैं, आप अपने डिसीजन लेना जानते हैं, आपको कौन इग्नोर कर सकता है। तो ये चीज आपको हमेशा अपने बारे में याद रखनी है। सबसे बड़ी बात की थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जो कि आपके लिए बहुत मुश्किल होगा क्योंकि आप एरीज हैं, पर आप कर सकते हैं, ट्रस्ट मी। तो ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स ले सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज ऑफ पेंटिकल्स, Eight of Pentacles, Seven of Wands, and Eight of Swords. Okay. तो हमारे पास यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है। एरीज, आपको बहुत ज्यादा खुशी मिलने वाली है, स्पेशली लव के मैटर में। ओके, ये रीडिंग थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। एक पॉइंट पर ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाएंगे किसी की हरकतों से, एंड दूसरे पॉइंट पर ऐसा लग रहा है कि आप बहुत खुश हैं। आपको डिटेल में जाना चाहिए, हो सकता है डिटेल में आपको ऐसा कुछ मिले कि जिससे आपको सब कुछ समझ में आ जाए और आपके सारे इश्यूज एकदम से दूर हो जाए, आपको क्लैरिटी मिल जाए। एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप हार्ट के मामले में बहुत लकी हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आपके लाइफ में डेफिनेटली कोई आ सकता है, कोई आपको अपना हार्ट देना चाहता है, कोई आपको अपना दिल देना चाहता है। और एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपकी सारी विशेस भी पूरी होंगी। ये सिर्फ अफेयर या लव के मामले में ही नहीं, मुझे लग रहा है कि आप हर चीज में ब्लेस्ड रहने वाले हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स भी है यहां पर, आपके लिए फाइनेंशियल ब्लेसिंग भी रहेगी। अगर आप स्ट्रगल कर रहे थे फाइनेंशियल मैटर्स में, तो ये वक्त है आपके लिए फोकस करने का अपने काम पर। आपका एफर्ट जरूर आपको रिवॉर्ड करेगा। ओके, आपको जरूर आपके एफर्ट्स का रिवॉर्ड मिलेगा और आप अपने काम में बेहतर कर पाएंगे। यहां पर सेवन ऑफ वॉन्ड्स भी है, सेवन ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपके लिए लड़ना जरूरी है अपने हालातों से, क्योंकि अगर आप लड़ेंगे तो जीतेंगे। शायद अभी तक आप लड़ ही नहीं रहे थे अपने हालातों से, कुछ चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, आपको लग रहा था कि कुछ चेंज हो ही नहीं सकता, पर ऐसा नहीं है। यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए एरीज, और यहां जब आप लड़ने की कोशिश करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आप दूसरों से कहीं बेहतर है, कहीं ऊपर है। इन हालातों से आप आराम से बाहर आ सकते हैं। और यहां पर एट ऑफ स्वॉर्ड्स है, एट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ये देखिए, ये आप ही है रैम एवरीज, आप एक बाउंड्री में बंद है, स्वॉर्ड्स की बाउंड्री में। स्वॉर्ड्स यहां नेगेटिविटी शो कर रहा है, आप एक बाउंड्री में, नेगेटिविटी की बाउंड्री में बंद है, आप यहां फंस गए हैं। आपको यहां से निकलना चाहिए एवरीज, कहीं ना कहीं यही चीज आपको इस तरह से पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की तरह रिएक्ट करवा रही है। और आप चीजों पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, आप लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, आप इम्पेशेंट हो गए हैं, और ये चीज आपको अफेक्ट कर रही है, इतना अफेक्ट कर रही है कि आप ब्लेसिंग्स को भी नहीं काउंट कर पा रहे। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। लाइट, आपके लिए जरूरी है कि आप रोशनी में आए, अपनी डार्कनेस से बाहर आना जरूरी है। शायद आपने अपने आप को नेगेटिविटी से सराउंड कर लिया है, ऐसे लोगों के बीच में आप बैठे हुए हैं जो आपको गलत एडवाइस दे रहे हैं, या आपको परेशान कर रहे हैं, या फिर बार बार जानबूझकर ऐसे टॉपिक उठाते हैं जो आपको अच्छा नहीं लगे,
तो यहां पर लाइफ के साथ जरूरी है कि आप इन बाउंड्रीज को तोड़े और पॉजिटिविटी की तरफ बढ़े, क्योंकि उसी से आपकी सिचुएशन जो है वो बेटर हो सकती है। तो ये थी रीडिंग अक्टूबर के फोर्थ वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।